सभी प्रतिभागी जो झंडा बनाया गया है विकास खंड स्तर का, आने वाले भविष्य में जनपद कौशाम्बी का नाम रोशन करने के लिए आतुर हैं। खेल कूद प्रतियोगिता में आज प्रतिभाग करने के लिए विकास खंड मंजनपुर, विकास खंड मूरतगंज, विकास खंड कौशाम्बी, विकास खंड कड़ा, विकास खंड सिराथू, विकास खंड नेवादा, विकास खंड चायल और विकास खंड खुशियों के सागर के पार आ गए, लगता है गुलाबों के हार आ गए। करता ध्वनि से गुजरा दो प्रांगण को, आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए। आज की हमारी खुशियों के सूत्रधार हमारे मुख्य अतिथि महोदय डीएम सर स्टेडियम प्रांगण में पधार चुके हैं। स्वागत है श्रीमान, आदर अभिनंदन आभार। मनाते हैं तो सबसे पहले दीप जलाते हैं। चलिए हम आज उसी परंपरा को निभाते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजा का गेरा निभा चारो चंद्रा रत्ना राता कल्पो ज्वलांगा परत मृगवरा भेद हातम प्रसन्न देवी प्रपन्नात हरे प्रसीदा प्रसीद मादर प्रसीद विश्वेश्वर बाहि विश्वा त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगद व्यापनी मा वीणा पुस्तक धारणी मा मभेदाम जाड्यासिकारा बहावा हस्ते अस्फाते मालिकामा वेदते पदमासने संस्थितामा वंदे ताम परमेश्वरी भगवती मा बोधे प्रदाम शारदामा शर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके चलय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रांगण पर आज व कल दोनों दिन अपनी प्रतिभाओं के से परिचय देंगे और अपने अच्छे अच्छे कला से सबका मन मोहने का काम ये नन्हे मुन्हे बच्चे करते हैं। मैं आपके उपस्थिति में मैं इस मंच के माध्यम से इन सभी नन्हे मुन्नों बच्चों के भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मंडल राज्य स्तर पर जनपद को गौरवान्वित करने का ये नन्हे बच्चे आपकी प्रेरणा से कार्य करेंगे। मैं पुनः चाह रहा हूँ कि सारे बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से एक बार पुनः जिलाधिकारी महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन किया जाए। और मैं समय न लेते हुए महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारी परंपरा है आकर के महोदय आप हमारे ध्वज को ऊपर करने का कार्य करें जिससे हम मार्च पास्ट का कार्यक्रम शुरू कर सकें। धन्यवाद। में हम सबके सामने होगा जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में हमारा लगातार उत्साह वर्धन करने वाला, हमें सहयोग एवं समर्पण की भावना से उत्प्रोत करने वाला हमारा स्काउट गाइड ध्वज। और अब घड़ी आ गई है कि हम इसका ध्वजारोहण करें। कभी मीरा कभी खुशरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं,
तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं, तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं। धमनियों में उत्साह, दिल में जज्बा जगाने वाली इन पंक्तियों के साथ तेवा स्टेडियम में स्काउट गाइड ध्वजारोहण हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय द्वारा। पुनः अनुरोध करूंगी, होकर सम्मिलित होकर वास्तविक क्रीड़ा शालीनता तथा सहयोग की विशुद्ध भावना से समस्त अधिकृत नियमों का पालन करते हुए पूर्ण प्रयास से क्रीड़ा जगत में अपने विकास खंड तथा जनपद के गौरवार प्रतिभाग करेंगे। जय हिंद। ड्रम की आवाज के साथ बेसिक शिक्षा विभाग का ये पहला दस्ता स्काउट गाइड का धीरे धीरे कदम से कदम मिलाता हुआ आगे बढ़ते हुए। श्रीमान जिलाधिकारी की आवाज के साथ पहला दस्ता कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए देंगे उन्हें मनमान आने वाले समय में देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार। और जी हमारे सामने देश है स्काउट गाइड का ये रस्ता जिसमें से आया है तीसरी पोजिशन में दोनों तरफ फ्लैग बाएं और बाएं मुख्य अतिथि महोदय के ठीक सामने आते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए ये स्काउट गाइड का पहला रस्ता जिनका मूल वाक्य है हम होंगे कामयाब। चैंपियन के द्वारा मसाल दौड़ पूरे मैदान का एक चक्कर लगाते हुए निश्चित तौर पर जनपद कौशाम्बी का नाम रोशन करने के लिए आतुर ये बच्चा निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि स्वर्णिम भविष्य देखा जा सकता है इस बालक से जो कि पिछली बार इसी मैदान पर बेहतरीन अंक हासिल कर पूरे खेल में चैंपियनशिप हासिल किया था इन्होंने। और एक चक्कर पूरा होते हुए मैं सभी खिलाड़ियों से और महानुभाव से अनुरोध करूंगा कि ये मसाल दौड़ पूरी होने के
इसमें बालिका वर्ग हमारे यहाँ से भी हम लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। मैंने जैसे ये बजाया भाग गए, अगर मुझे गलत लग रहा है तो मिसिंग दूंगा मिसिंग दूंगा मैं। तो आप रुक जाओ, तुम्हें धंधा लगेगा सुंदर, ठीक है? कोई एक बार ड्रॉप करेगा मैं एक चांस पर निकाल दूंगा। आप और इसी के साथ ये दर्शन भी है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो खिलाड़ी है वो आगे बता सकते हुए देखना है कि सेकंड नंबर पे जो पोजीशन है वो पहले नंबर पे आ पाते हैं कि नहीं। बहुत ही तेजी के साथ गुलाबी रंग की जर्सी में एक प्रतिभागी आगे की ओर प्रथम पोजीशन हासिल करते हुए किस प्रकार से जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा ये हरी झंडी दिखाकर सभी पदाधिकारी जिनका मैं तो नाम नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पर सभी लोग अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं और मैं कहूंगी कि अपनी चार पंक्तियों से आप सबको अवगत कराना चाहूंगी कि अगर वास्तव में कहीं ना कहीं प्रतिभा अगर छुपी है तो उसे बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। उस पर कहूंगी Thank you.
प्रदान किया जा रहा है। सभी लोग तालियां बजाते रहें, बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहें। सही कहा गया है तो हमारे बेसिक परिवार का सबसे ये इनकी अभिन्न अंग है। हम लोग हमारा ये नया पेशकश को बढ़ाते रहें। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने दोनों हाथों को खोलते हुए तालियां बजाते रहें, बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहें। बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चों के द्वारा। बहुत सुंदर, बहुत। आप लोग तालियों के द्वारा बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहें और इस कार्यक्रम को नई दिशा प्रदान करते रहें। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के सहार, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। ये प्रदर्शन एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके पीछे बच्चों का मेहनत अपने आप झलक रहा है कि यह कई दिनों की मेहनत है जो आज निखर कर इस मंच के सामने अपना प्रदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। यह कड़ा की टीम इस प्रतियोगिता कार्यक्रम की विजयी टीम है। बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहें। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।
जी, प्रदीप कुमार जी हम देशा, प्रदीप कुमार जी हम देशा, श्री सकीनुद्दीन जी जो कि हमारे नोडल शिक्षक निर्माता गोस्वाम जी, सुश्री सुषमा देवी चौरसिया जी,